हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सबिदास क्रिएटिविटी। ए मॉर्निंग ग्लोरी फ्लावर के साथ आप लोगों को आज स्वागत कर रही हूँ मेरे चैनल में। बालकनी गार्डन में हूँ और दो दिन पहले आप लोगों को बोली थी मैंने कुछ पौधे खरीदी थी, इसमें से दो पौधे मैं यहाँ पर रखी हूँ, आप लोगों को दिखा देती हूँ। ये दोनों नए खरीदी हूँ और यहाँ पर प्लेस की हूँ। बहुत सुंदर लग रहा है ना। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सविताज क्रिएटिविटी। कैसे हैं आप लोग? आई होप मेरे सब फ्रेंड्स अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मोस्ट इम्पोर्टेंटली सेफ होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ। अभी टाइम हुआ है 12:30। मैं कहीं पे जाने के लिए तैयार हो गई हूँ, ऑलरेडी लेट हो गया है। मैं एक फ्रेंड के घर में जा रही हूँ लंच पे, बहुत दिन के बाद। आप लोग को पता है ये कोविड का जो सेशन चल रहा था, अभी भी चल रहा है, लास्ट 2 साल लेके हर किसी का हस्बैंड्स, मोस्ट ऑफ द लोगों का हस्बैंड घर से काम करते हैं, वर्क फ्रॉम होम कल्चर जैसे एक सबका आदत हो गया है, ये कल्चर ही हो गया है। बहुत सारे ऑफिस में वर्क फ्रॉम होम को प्रीफर करते हैं बहुत कुछ रीजन के वजह से। मेरी जो फ्रेंड है जिसके घर में मैं अभी जा रही हूँ, इसका हस्बैंड लास्ट 2 ईयर से घर से ही काम कर रहे हैं। और आप लोगों को पता है कि जब हस्बैंड्स घर से काम करते हैं ना, हमारे लिए एडवांटेजेस तो कुछ हो ही जाती है, डिसएडवांटेजेस भी बहुत होती है। इसके ऊपर मैं ये टॉपिक के ऊपर तो एक वीडियो भी बना जा सकता है, मैं बाद में बनाऊँगी क्या क्या एडवांटेज और क्या क्या डिसएडवांटेज होता है। बट मैंने आप लोगों को मेरे चैनल में एक वीडियो है, उसका टाइटल था वर्क फ्रॉम होम मजा है या सजा। आप लोगों को वो इंटरेस्टिंग वीडियो देखना है तो मैं उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप लोग देख सकते हैं। बट जो बोलने जा रही थी वो इतने दिन से घर से काम कर रहे थे, हमारे जो घर में फ्रेंड्स को बुलाना, घर में मौज मस्ती करना, घर में एक साथ बैठ के लंच करना, वो थोड़ा सा हम पर हो रहा है सबका। जब बच्चे घर से काम करते हैं या हस्बैंड घर से काम करते हैं, ये रेस्ट्रिक्शंस आ जाता है। बच्चे घर से क्लास करें या जिस किसके बच्चे स्कूल से हैं, कॉलेज में है, यूनिवर्सिटी में है या वर्किंग फ्रॉम होम है, सब किसी के लिए ये प्रॉब्लम तो है ही। बट क्या करें, टाइम के साथ साथ हम लोग को भी चलना पड़ेगा, हम लोग चल भी रहे हैं। उसके ऊपर मैं कंप्लेन नहीं कर रही हूँ। अभी आज उसके हस्बैंड ऑफिस जा रहे हैं तो सी सेलिब्रेटिंग द डे विथ हर फ्रेंड्स, एंड हम लोग को लगा कि ये बहुत एक अपॉर्चुनिटी है उसके घर में जाके आराम से लंच करना और मौज मस्ती करना, गप्पे सप्पे करना, चिटचैट करना, ये सब करना। तो मैं निकल रही हूँ, अभी लेट नहीं करूँगी। अभी ऑलरेडी 12:35 हो चुकी है, मुझे 12:15 में निकलना था, बट घर का काम भी बहुत रहता है आप लोगों को जैसे पता है, तो वो सब करते करते मेरा लेट हो गया। ऑलरेडी मैं निकल रही हूँ, आप लोगों को भी साथ में लेके चल रही हूँ। हो सकता है तो उसके घर में कुछ क्लिप्स डेफिनेटली लूँगी जो आप लोग को अच्छा लगता है ना, मेरे फ्रेंड्स के साथ जो भी मौज मस्ती होते हैं, जो कुछ हम लोग करते हैं, शेयर करूँगी आप लोगों के साथ हो सकता है तो। फिर डिस्क्लेमर है, टाइम नहीं मिलेगा, बहुत दिन के बाद एक साथ उसके घर में जा रहे हैं हम लोग, बातों में उलझ जाएंगे तो मैं कैमरा खोल नहीं पाऊंगी। कैमरा खोलने के लिए अपॉर्चुनिटी मिलेगा तो डेफिनेटली आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। चलिए जाते हैं उसके घर में और मिलती हूँ उसके घर में डायरेक्टली। फ्रेंड्स, घर से निकल गई हूँ मेरे फ्रेंड के घर के तरफ और जाते जाते एक ग्रीनरी देखूँ और आप लोग के साथ शेयर ना करूँ, ये तो हो नहीं सकता। आप लोग शायद बोर हो गए होंगे बट मैं बोर नहीं होती और सोचती हूँ कि आप लोग ये ग्रीनरी को बहुत एंजॉय करते हैं। बेंगलोर का जो ग्रीनरी का जो पैचेस है उसको तो शेयर करना बनता है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना हमारे सिटी का ये ग्रीनरी आप लोगों को कैसे लगता है, जो मैं मेरे हर चैनल में थोड़ा दिखाने के लिए कोशिश करती हूँ। Hopefully, it will be better. Oh, is it? Is it?
वेलकम ड्रिंक्स और स्टार्टर्स के बाद अब आ गई हमारे लंच के बारी। जैसे आप लोगों को पहले मैं बोली ना, मेरी फ्रेंड्स को तरह तरह का खाना कुक करना पसंद आती है, वो खुद एंजॉय करती है और दूसरों को खिलाने से भी उसको बहुत अच्छा लगता है, हम लोगों को खाने से भी। सो ये है हमारे पूरा प्योर बंगाली लंच। इसमें राइस है, मूंग दाल है, परवल आलू और प्रॉन का सब्जी है, सलाद है, आम का चटनी है, रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन है, फिश में भी इसमें तोपशे फिश का फ्राई है और हमारे हिलसा फिश का भापा है। इतने सारे स्प्रेड और हम लोग मन भर के इसको चलिए खाते हैं और इसका मज़ा उठाते हैं। ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर पा रही, कुछ स्टील पिक्चर्स हम लोग लिए हैं, इसको आप लोगों के लिए यहाँ पे अटैच कर देती हूँ, आप लोग एंजॉय कीजिएगा। और हम लोग तो बहुत मस्ती किए, आप लोगों को देख के इसको मज़ा आ रहा है कि नहीं मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना। वेलकम बैक, बहुत देर के बाद आप लोगों के साथ मिल रही हूँ। आज जैसे आप लोगों को सुबह बोली थी, फ्रेंड के घर गई हूँ बट वहाँ पे ज़्यादा कुछ सूट नहीं कर पाई क्योंकि हम लोग ना बातचीत में इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं कि कैमरा खोलने के लिए मन नहीं करता है। क्योंकि किसी के घर में भी जाओ और फ्रेंड्स के साथ बात करना चालू कर दो तो दिमाग से हट जाता है कि मुझे कैमरा निकालना है, ये मोमेंट भी कैप्चर करनी है। थोड़ा बहुत कुछ की है और बहुत मजे में आज टाइम गया, ऐसे धमाल मस्ती मजाक किए और बहुत सारे चिटचैट किए और मेरी फ्रेंड के हाथ का जो डेलीशियस फूड है उसको एंजॉय किए बहुत दिन के बाद। वो बहुत अच्छा कुकिंग करती है और जब भी किसी को बुलाती है दिल से कुकिंग करके लोगों को खिलाती है, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं ज़्यादा खाती नहीं हूँ बट मज़ा आ जाता है कोई विथ लव एंड केयर, विथ लव एंड अफेक्शन आपको इनवाइट करे और अच्छे से उसके पास बैठ के मज़े से बात करो और खाना एंजॉय करो। इससे और ज़्यादा क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है। सो ये करके घर आई, थोड़ा सा टायर्ड लग रहा था। सो उसके बाद अभी इवनिंग वॉक में नीचे गई थी, इवनिंग वॉक से अभी आई हूँ। अभी टाइम है 8:00, 10 मिनट्स पहले आई हूँ। थोड़ा सा ज़्यादा टायर लग रहा है बट मैंने सोचा कि आप लोगों के सामने थोड़ा सा बात कर लूँ, सो इसीलिए कैमरा ऑन किया। और आप लोगों को जिसलिए मैंने कैमरा ऑन किया उसको बता देती हूँ, कल के वीडियो में शायद मैंने आप लोगों को बताया कि हमारे कैंपस में लास्ट वीकेंड में फ्ली मार्केट हुआ था, एग्जीबिशन हुआ था, तो मैं गई थी देखने के लिए। वहाँ से मैं कुछ खरीदी जो मैं आप लोगों के साथ अभी ये करना चाहती हूँ, शेयर करना चाहती हूँ अभी। सो जो फर्स्ट टॉप मैंने खरीदी उससे ये है एक ब्यूटीफुल सा टॉप, आप लोगों को डिटेलिंग दिखा रही हूँ। इसका पीछे ये है इसका बैक, टॉप का बैक, ये पूरा नेटेड कपड़ा में है, ब्यूटीफुल है, मैंने आप लोगों को दिखा रही हूँ, बहुत सुंदर है। और ये जो टॉप है ये उसका फ्रंट साइड मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, ये है इसका फ्रंट साइड और ये है मेरा टॉप। ये एक ब्यूटीफुल सा पीच और ब्लैक कॉम्बिनेशन में ये टॉप है। ये टॉप को आप जींस के साथ, पलाजो के साथ, थ्री क्वार्टर लेगिंग्स के साथ, किसी के साथ भी पहन सकते हैं। आप लोगों को दिखाती हूँ पूरा, ये है टॉप, ये मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत कंफर्टेबल कपड़ा है ये। एक्चुअली ये जो टॉप है ये लोग बैंकॉक से इसको लाते हैं, इसका जो प्राइस है वो है 650 रुपीज़। ये गया मेरा फर्स्ट टॉप। जो सेकेंड ड्रेस मैंने खरीदी आप लोगों को दिखाऊंगी, ये एक वन पीस ड्रेस है, मेरा फेवरेट कलर है, रेड है। सो मैंने देख के इसको मैंने फर्स्ट साइट पर उसको मैंने बहुत अच्छा लगा। ये है ड्रेस, ये भी वही बैंकॉक या वियतनाम, कुछ वो बोली वियतनाम से लाया गया है। और ये ड्रेस थोड़ा सा डीप कट है फ्रंट और बैक से, इसको अंदर एक ब्लैक कलर का कोई कंट्रास्ट कलर का बैक है, ब्लैक या वाइट का एक टॉप भी पहना जा सकता है जिसके ऊपर इसको मैं यूज कर सकती हूँ, नहीं नॉर्मली इसे पहनूंगी तो वहाँ पे एक टैग भी दे सकती हूँ। सो ये है मेरा जो ड्रेस, ये नी लेंथ तक है, नी लेंथ से थोड़ा सा ज़्यादा होगा और बहुत सॉफ्ट कपड़ा है, बहुत ब्यूटीफुल सा ड्रेस है। सो ये मेरा था, दोनों मिला के मैंने 1500 दिया, वो 650 था, तो ये 850 का है।
सो इसको भी खरीदी थी। आप लोगों को साथ शेयर नहीं करते तो रह नहीं पाती, आप लोगों के साथ शेयर करना है, तो मैंने सोचा खरीदी तो आप लोगों के साथ शेयर कर दिया जाए। ये है एक ड्रेस और ये है मेरा दूसरा ड्रेस, ये दोनों मैंने वहाँ से खरीदी हो। और मन था कि मैं इवनिंग में जाऊँ जाके और एक बार देखूँ क्या क्या है क्या नहीं है, बट इवनिंग में इतना बारिश हुई हम लोग नीचे एक्चुअली जा नहीं पाए, नीचे जाने के लिए कोई चांस भी नहीं था। और बहुत कुछ मैंने लोग ले गए थे, इतना कुछ ज़्यादा कलेक्शन भी नहीं था, गई थी बहुत कम टाइम के लिए, बट वहाँ से मैंने कुछ मिक्सचर वगैरह खरीद के लेके आई, ड्रेस वगैरह कुछ नहीं खरीदी। सो ये था मेरा खरीदारी हमारे फ्ली मार्केट से। सो छोटी छोटी चीज़ें बट आप लोगों के साथ शेयर करना अच्छा लगता है और आप लोगों को भी अच्छा लग रहा होगा, है ना। जरूर बताना मुझे ये वाला ड्रेस सिलेक्शन आप लोगों को कैसे लगा, और इसको जिस दिन पहनूंगी आप लोगों के साथ डेफिनेटली शेयर करूंगी, आप लोगों को दिखाऊंगी मेरे ऊपर ये दोनों ड्रेस कैसे लग रहा है। सो आशा करती हूँ आज का जो ये वीडियो है ना आप लोग डेफिनेटली एंजॉय किए होंगे, आप लोगों को अच्छा लगा होगा। आप लोगों का आज एक मैंने ऑयल फ्री चिकन रेसिपी भी शेयर की आप लोगों के साथ, जिसमें एक ड्रॉप भी ऑयल मैंने यूज़ नहीं किया, बट बहुत टेस्टी था, यम्मी था, फैंटास्टिक था। आप लोग डेफिनेटली घर में ट्राई करना, जो लोग को चिकन पसंद है बट आप उसको हेवी बनाना नहीं चाहते हैं, आप कोई डाइट प्लान में है आप लोग जरूर उसको बनाना, डाइट प्लान में नहीं है भी तो उसको बनाना, वो इतना टेस्टी है आप लोगों को पता नहीं चलेगा कि ये इसमें ऑयल यूज किया हुआ है या नहीं किया हुआ है। सो इफ यू लाइक माई वीडियो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड कमेंट डाउन बिलो, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, जब भी मैं मेरे चैनल में वीडियो शेयर करूँगी आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा। फिर मिलूंगी बहुत जल्द आप लोगों के साथ और एक नया वीडियो लेके, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड लव यू। अभी आ गई हूँ मेरे फेवरेट जगह में, हमारे किचन में, आप लोगों को दिखाऊंगी ऑयल फ्री पेपर चिकन। सो इसमें एक ड्रॉप भी ऑयल में यूज़ नहीं करूँगी, 250 ग्राम्स करी कट चिकन मैंने लिया, उसमें मैंने डाला 1/2 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट एंड 2 टेबल स्पून कर्ड। ये जो 250 ग्राम्स चिकन है ये मेरा 2 सर्विंग्स के लिए मैंने बनाई हूँ। इसमें आप एक ड्रॉप भी ऑयल या बटर या घी कुछ भी यूज़ नहीं करूँगी, बट ये इतना यम्मी और टेस्टी होगा आप लोग जरूर इसको ट्राई करिएगा। इसमें मैं डाली हूँ स्वाद के मुताबिक सॉल्ट, और इसके बाद मैं डालूँगी थोड़ा सा रेड चिली पाउडर। सो ये जो पाउडर मसाला है इसको आपको जितना चाहिए आपके स्वाद के मुताबिक उतना ही इसमें ऐड करिएगा। इसके बाद हम इसमें डालेंगे क्रस्ट पेपर, जो फ्रेश पेपर है उसको क्रस्ट करके डालिएगा, का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है डिश में। सो ये डालने के बाद मैं इसमें डाल रही हूँ 1/2 टीस्पून फुल ऑफ गरम मसाला। उसके बाद 250 ग्राम्स चिकन में मैं डालूँगी एक मीडियम साइज़ का अनियन को लंबा लंबा चॉप करके। सो इसमें आपको तीखापन और ज़्यादा अच्छा लगता है तो हरी मिर्च को, ग्रीन चिली को फाइनली चॉप करके भी डाल सकते हैं। उसके बाद आप लोगों को खट्टापन भी अच्छा लगता है तो थोड़ा सा लेमन जूस इसमें ऐड कर दीजिए। मैं यहाँ पे लेमन जूस ये स्टेज में ऐड नहीं कर रही हूँ, बाद में करूँगी। अभी चिकन को पूरा मसाला के साथ अच्छा से मिक्स कर देंगे, अच्छा से हाथ में मसल के ये मसाला को हम लोग मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद उसको रेस्ट में रखना बहुत ज़रूरी है, फ्रिज के अंदर भी रख सकते हैं, और इमिडिएटली आपको कुकिंग करना है तो मिनिमम 1/2 आवर इसको मिक्स करके आप लोग बाहर भी रख सकते हैं। सो इसमें क्या होगा ना, जितने सारे मसाला हम लोग इसमें यूज किए हैं सब चिकन के अंदर चला जाएगा। अभी मेरा चिकन 1/2 आवर रेस्ट में रह गया है। आप देखिए ये कढ़ाई में मैंने कुछ भी नहीं लिया, इसमें मैंने डाला 2 लौंग और 4 से 5 होल पेपर। उसके बाद मैंने डाला 2 to 3 क्लोव्स ऑफ जो गार्लिक, उसको फाइनली चॉप करके, और 10 से 12 जो करी लीव्स, इसको ये जो लहसुन करी लीव्स का फ्लेवर ये बहुत अच्छा मैंने बहुत अच्छा अरोमा क्रिएट करेगा। ये थोड़ा सा भुन जाने के बाद हम लोग मैरिनेटेड चिकन को ये कढ़ाई में ट्रांसफ़र कर देंगे। आप लोगों को पता है कि चिकन में दही है, चिकन हमेशा अपना एक पानी छोड़ता है। सो इसमें हम लोगों को ज़्यादा कुछ करने का ज़रूरत नहीं है। जो वेसल में मैंने मैरिनेट की थी उसमें 2 स्पून पानी डाल के मैंने वो मसाला जितना लगा हुआ था उसको चिकन के अंदर डाल दिया।
अभी और कुछ करने का नहीं है, आप इसको मिक्स कर लीजिए और इसको कवर करके 5 to 7 minutes छोड़ दीजिए। 5 to 7 minutes के बाद मैं लीड उठा के आप लोगों को दिखा रही हूँ, चिकन का कलर पूरा चेंज हो गया है। चिकन लगभग 50-60% ऑलरेडी पक चुका है, ऑलरेडी कुक हो चुका है। फिर आप लोगों को इसको थोड़ा सा इधर उधर करके फिर ढक्कन देके उसको 2 to 3 minutes छोड़ना पड़ेगा। उसके बाद चिकन हमारा पूरा रेडी हो जाएगा। ये झटपट से हो जाता है, इसमें मैरिनेट करके जितना देर आप रखोगे वो उसको कुक होने के लिए उतना कम टाइम लगेगा। आपको चिकन ऐसे ही स्टेज पे भी खा सकते हैं, बट इसमें मैं एक कॉर्नफ्लोर का स्लरी यूज कर रही हूँ। कॉर्नफ्लोर का स्लरी यूज करने से क्या होगा ना, जितना मसाला हम लोग ने यूज किया वो पूरा कोट हो जाएगा चिकन में। सो बिना कॉर्नफ्लोर का स्लरी से भी आप लोग जैसे मैंने बोला उसको यूज कर सकते हैं। तो स्लरी देने के बाद हम लोग इसको मिक्स कर लेंगे हाई फ्लेम में, और उसके बाद मैंने 1/4 lemon का जूस इसमें डाल दिया। सो उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद जैसे मैंने बोली ये पेपर चिकन है, आप फिर उसमें 1/2 teaspoonful ऑफ क्रश्ड पेपर डाल दीजिएगा, सो दैट वो जो फ्रेश पेपर का एरोमा है वो चिकन के ऊपर बरकरार रहेगा। अभी हमारा चिकन रेडी है, चलिए प्लेटिंग करते हैं। ये है प्लेटिंग। प्लेटिंग में हम लोग चिकन को ट्रांसफ़र कर दिए, उसमें मैंने होल ग्रीन चिली 2 ऐड की हूँ और फाइनली चॉप्ड फ्रेश करियंडर लीव्स को भी इसमें ऐड कर दी हूँ। सो आप देखिए कितना सुंदर लग रहा है ये चिकन। आप लोगों को आप लोग जरूर इसको ट्राई करना, ये बहुत ही अम्मी है, टेस्टी है। आप लोग रोटी के साथ, चावल के साथ, किसी के साथ भी इसको खा सकते हैं। सो चलिए आपके किचन में इसको एंजॉय करके कैसा लगा मुझे कमेंट सेशन में ज़रूर बताना।